विगत दिनों खेत में युवक को गोली मारकर हत्या किए जाने वाली घटना का एसएसपी हरिद्वार ने मंगलोर कोतवाली में खुलासा कर दिया है। पुलिस ने हत्या करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। घटना का खुलासा करते हुए एसएसपी परमेंद्र सिंह डोभाल ने बताया है कि मृतक युवक खेत में पानी देते समय थोड़ा पानी रिस्क कर दूसरे पक्ष के खेत में पानी चला गया, जिससे दोनों के बीच कहासुनी हो गई। विवाद बढ़ने के बाद आरोपी खेत में गए और मृतक के साथ मारपीट करते हुए गोली मारकर हत्या कर दी। घटना को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस ने आरोपियों की तलाश कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उक्त धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर आरोपियों को जेल भेज दिया है। 23 अप्रैल के दिन थाना मंगलौर के कुआं हेड़ी जो गांव है, इसके पास में एक हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति की बड़े नृशंस तरीके से हत्या की गई है, जिसका नाम भरतवीर है, भरतवीर राठी। पुलिस के द्वारा जब मौके पर हम लोग पहुँचे थे, हम लोगों के द्वारा मौका मुआयना किया गया, आसपास लोगों से जब बात की गई, उसकी माता से जब बात की गई, तो ये बात पास में आई थी कि भरतवीर का जो खेत है उसके बगल में एक राजेश आदि का जो खेत है उसमें पानी रिसने को लेकर इनका विवाद हुआ था, जिसमें सुबह से जो दूसरा पक्ष है वो इसे लगातार उकसा रहा था मौके पर आने के लिए, बुलाने के लिए। और जब इसे उकसा के वहाँ बुलाया गया, इन लोगों ने एक राय हो गए, करीब 6-7 लोग वहाँ पर उपस्थित थे, उन्होंने लाठी डंडों से पहले इसकी मारपीट की, उसके बाद तमंचे से फायर करके इसकी हत्या की गई थी। पुलिस जब इस लाइन पर आगे बढ़ी और अन्य लोगों से जब पूछताछ की गई, क्योंकि सभी एक ही बिरादरी से जुड़े हुए लोग हैं और इनके द्वारा मोबाइल फ़ोन वगैरह सब बंद करके ये लोग गायब हो गए थे, पुलिस के द्वारा लगातार दबिश इसमें पड़ रही थी। 1 तारीख को पुलिस के द्वारा अपने प्रयासों से 3 लोग इसमें अरेस्ट किए गए, जिसमें जो मुख्य अभियुक्त है नकुल, जिसने तमंचे से फायर करके इसकी हत्या की थी, वो भी पुलिस ने तमंचा भी बरामद किया है, अभियुक्त को भी पकड़ा है, और उसके साथ जो अन्य 2 साथी हैं धीरज और एक और साथी, उनके पुलिस ने अरेस्टिंग की है। इसकी जो मृतक की माता है संगीता, इनके द्वारा जो मुकदमा लिखवाया गया था उसमें 7 लोग अभियुक्त बनाए गए थे, जो वहाँ मौके पर जिनको बताया गया था, पुलिस में इसमें भी स्क्रूटनी कर रही है उन चीज़ों को, और जो गवाहों को आगे बढ़ाते हुए पुलिस ने 3 लोगों की अरेस्टिंग करी है। बाकी अन्य भुक्तों की शीघ्र ही गिरफ्तारी और उनकी जो स्क्रूटनी है उसमें विवेचना भी चल रही है, तो यथाशीघ्र इसमें गिरफ्तारी की जाएगी।